गाइस BCAA अपना ख़त्म हो गया था, अब देखो दूसरा ये ओपन कर रहा हूँ, BCAA प्लस ग्लूटामाइन। इसे ओपन करते हैं फटाफट से। स्कूल में पेटीज खाते थे वो वाली टाइप की है, अरे वो पुरानी यादें ताजा करनी पड़ती है ना बार बार ही। पनीर वाली पेटीज में ऐसा डिजाइन आता था। हाँ पनीर वाली, अब भी तो ऐसी आता पनीर वाली में। हाँ पनीर वाली ऐसी बनती है। देखो ऑलराउंडर बन चुका हूँ मैं, खाना भी बना लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं, झाड़ू पोछा कपड़े। बर्तन। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, केम छो, मजे में सब बढ़िया। गाइस वीडियो पूरी देखा करो, और जो पूरी देखते हो लाइक भी क्या करो यार, एक बस क्लिक करना है, लाइक के बटन पे क्लिक करना है, लाइक करता करो यार वीडियो, और शेयर करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है गाइस। गाइस BCAA अपना ख़त्म हो गया था, अब देखो दूसरा ये ओपन कर रहा हूँ, BCAA प्लस ग्लूटामाइन। इसे ओपन करते हैं फटाफट से, पहले वाला ख़त्म हो गया। और ये देखो इसमें BCAA भी है, ग्लूटामाइन भी है, बिग मैन कंपनी का आई है, ठीक है बिग मैन कंपनी का। और इसमें देख लो ल्यूसिंड अलावा इसमें 12.50 mg, आइसोल्यूसिन है 6.25 mg, और वैलिन है इसमें 6.25 mg, देख लो ठीक है गाइस। और यह बिग मैन का BCAA ग्लूटामाइन, इसमें ग्लूटामाइन भी डाला हुआ, और इसमें ग्लूटामाइन है इसमें 25 mg, मतलब 2.5 ग्राम। देख लो, और हाँ मेन चीज़ इसमें देखो 45 सर्विंग है, 45 भी नहीं 50 सर्विंग है, मुझे लगा 45 है, 50 दिन का हो गया, मज़े आ गए, अब तो 2 महीने चल जाएगा, वो मज़े ही आ गए गाइज, मज़े आ गए, 2 महीने का हो दिया, दी तीन स्टूप तो नीचे है, स्टूप भी मिल गई यार, ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, देखो ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, बस ये जो लग जाता है ना हाथों में, इससे बहुत इरीटेशन होती है इससे, ठीक है गाइज। बस एक स्कूप डालना है 8 ounces पानी में, ठीक है, और बस इसे कर देंगे अब शेक, ठीक है गाइस। चलो मिलते भी थोड़ी देर पहले, हाथ धो, बहुत अजीब फील होता है मुझे, लग जाता है तो गाइस। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, बिग मैन का BCAA ग्लूटामाइन है, कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रमोशन नहीं है ये, कहीं सोचो प्रमोशन कर रहा हूँ, चलो ठीक है। राधे राधे गाइस, आज जो मैं अपने पति के लिए जो उनकी पसंद की चीज है वो बना रही हूँ, दही के छोले, तो आज वो दिखाती हूँ आपको कैसे बनते हैं, आइए मेरे साथ। तो गाइस देखिए, ये मैंने वो था दही थी, ये मैंने उसमें कपड़े में बांध के रखी थी, जितना इसका पानी था वो सब निकल गया है, सूख गया है, तो अब मैं इसे खोल रही हूँ, और ये देखिए कितना ड्राई हो गया है, तो जब हम वो बनाएंगे इसका पूरा मिक्सचर तो वो बिल्कुल सही बनेगा, मतलब पानी निकाल देना पूरा दही का, है ना, पानी निकाल देना, इस तरह से बन आ जाए, हो जाएगा ये। अब दही देखो बिल्कुल ये ड्राई हो गई, थोड़ी बहुत गीली होगी, हाँ, ड्राई हो गई बिल्कुल, हो गई है, बस उसमें से तो निकाल लो दही, उसमें भी लग रही है ये तो वैसा भी हटा लो ना थोड़ी सी, चलो जितनी हट रही है हटा लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें पनीर डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा पनीर को इसमें किसके डालना है, हाँ, बारीक बारीक से डालना है, तो ये वाला भी तो है हमारे पास, बड़ा वाला, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा अच्छा गाइस, छोटे वाले से करना, ठीक है, बिल्कुल पतला पतला डालना पनीर, यार मैं भी बनाऊंगा एक, फर्स्ट टाइम बनाऊंगा, मुझे पक्का पता है, मैं जहाँ हाथ डालता हूँ सही कर देता हूँ, मतलब काम खराब नहीं करता, रोटी नहीं बनाई एक बार में, देख लो गाइस इस लड़की को, रोटी मैंने एक बार में बनाई, और ये भी बनाऊंगा पक्का, और मतलब बना दूंगा, हाँ यार बना दूंगा एक बार में, शाबाश, तोड़ दो सारा पनीर ये बहुत ज़्यादा, चलो कोई नहीं, बस कमी डालो, कभी पनीर पनीर हो जाए, ठीक है। तो गाइस मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है सच्ची में, दही के छोले आज फर्स्ट टाइम बन रहे हैं घर में। कैरेट भी डलेगी इसमें, अच्छा कैरेट डलेगी, और वो भी डलेगी ना, ये शिमला मिर्च, हाँ कल्ला ही लेके तो आया था मैं सब, आप करोगे इसे ना, तुम ही करो, शाबाश, कितनी डलेगी इसमें देखते हैं क्वांटिटी के हिसाब से कैसा है, और डाल देंगे, ये लो, ये ले लो, कभी लग जाए वो छोटी होगी तो, अच्छा हाँ तो हो गई है, चलो ठीक है इसे करो, और इसको इसमें गाजर में पानी होता है तो आप इसको थोड़ा सा
ऐसे दबा के निकाल देना, निचोड़ लेना, निचोड़ लेना, एक्स्ट्रा पानी निकाल देना और फिर उसमें डालना, नहीं तो ये पानी छोड़ देगी तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी, फट जाएगा वो, जैसे पानी पानी हो जाएगा। लो आप करो, आपके हाथ में नहीं, करो करो करो, तुम ही करो। अब इसमें हम वेजिटेबल डाल देंगे, थोड़ी सी कैरेट डाल देंगे, कैरेट मतलब गाजर, इतनी है ना फिर? हाँ ठीक है। और वो है शिमला मिर्च, इंग्लिश में मत बताना, ये शिमला मिर्च है गाइस, और कमेंट में बताना इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ठीक है गाइस। और थोड़ा सा ओरिगानो डालेंगे, ओरिगानो बिल्कुल थोड़ा डालना, ओरिगानो गाइस इतना खा लिया बस, पिज्जा में हर चीज में सैंडविच बन रही है तो और ही है नो, काली मिर्च है ये, सॉरी काला, ये काली मिर्च डालनी है गाइस, काली मिर्च, काला नमक भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और नमक स्वाद अनुसार, हल्का ही रखना, हल्का 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 हल्का, बस 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 हल्का गाइस, नमक कम ही खाओ यार, ज़्यादा मत खाओ, लिमिटेड खाओ। हाँ इसे मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नमक खाने से गाइस बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है, फिर वैसा लगता है थोड़ा सा फेस पे भी, जैसे लोग बोलते हैं ना वैसा हो रहा, बड़ा बड़ा सा लगता है, जो भी मतलब फैट आता है तो वो कितना तो पानी होता है, बॉडी होल्ड कर लेती है पानी को, मतलब बहुत सोडियम सॉल्ट होल्ड कर लेता है पानी को। गाइज हम ब्रेड के साइड के जितने भी हैं ये काट देंगे, तो इससे काटने से ये होगा कि आपकी ब्रेड थोड़ी सी सही रहेगी, आसानी से मतलब चिपक जाएगा। हाँ आसानी से, जितना भी आप मिक्सचर में डाल रहे हैं वो सही रहेगा, तो आप साइड साइड से ऐसे काट सकते हैं इजी वे में। आपकी भी ऐसी काट के बनाओ? नहीं यार मेरे में वैसे बनाना, वो ये हटाना मत, क्रंची क्रंची अच्छा लगता है, हटाना मत, तो दोनों तरीके से बना के दिखा दो ना। पानी आ रहा है मेरे मुंह में तो जल्दी बना दो। अब इसमें हम थोड़ा सा ये हमारा उसका दही का पानी है ना, दही का पानी वो थोड़ा सा लगा देंगे इसमें। गाइस नॉर्मल पानी भी लगा सकते हो, दही का हम इसलिए लगा रहे हैं, वो दही में से निकला था और क्या कहते हैं, हाँ हल्का हल्का सा वो खट्टा रहेगा, है ना। पानी एक तरफ लगाना, दोनों तरफ नहीं, वन साइडेड ओनली, ठीक है। और भरना किस तरफ से, जहाँ पानी वाली तरफ से, नीचे वाली तरफ से, नीचे से भरना है ना, नीचे से, क्योंकि पानी की तरफ से तो अब पानी इसकी तरफ। अरे हाँ एक चीज़ और, पानी हम इसलिए लगाते हैं गाइस, ये सब तो मुझे पता है, ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए, कम से कम ऑयल जाए अंदर, इसलिए दही के सोने से वो भी कह सकते हो दही रोल। अब ये गाइस देखिए हमने जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें डाल रहे हैं और उसको सही से फोल्ड कर देंगे। हाँ मिक्सचर ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर खुल जाएगा ना, और इसको हम इस तरह से फोल्ड और दबा देंगे चारों तरफ से, चारों तरफ से दबा देंगे ताकि खुले ना। ये देखिए अब ये दब जाएगा। और गाइस आप देखिए मैं बिना इसके साइड हटा के बना रही हूँ, क्रंची बनेगा, क्रंची बनेगा, देखती हूँ। पानी और लगा लो, और लगाओ पानी, शाबाश उसी में डुबो दो, डिप भी कर देती हूँ फिर। सबसे बेस्ट बात अब सही है, ये देख लो गाइस शाबाश। अब देखना कुरकुरा बनेगा एकदम, वहां से ना साइड जो होती है ना इसकी फिर कुरकुरी लगती है, जिसको ऐसे चाहिए वो ऐसे खा सकता है, जिसको बिना साइड गाइस ऐसे वाली अच्छा लगता है, क्रंची लगता है ऐसे वाली खाना तुमने, मैं तो कहूँ मेरी बात मानो तो ऐसे ही खाओ। गाइस देखो अब ये मैम जी बना बना के रख रही हैं सारे, फिर एक बार में फ्राई कर लेंगे। और हाँ देखो अब आज बड़ी कढ़ाई ले ली छोटी कढ़ाई नहीं ली, आज बड़ी कढ़ाई ले ली, बड़ी में बनेंगे आज। गाइस मैं इसमें डाल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ और हल्की आज में इसको हल्के हल्का पकाते रहिए, पहले से ऑयल थोड़ा सा गर्म रखिए कि एकदम से वैसा ना हो जाए। हाँ धीरे धीरे रखनी है ना गैस। हाँ गैस फुल करके मत पकाना फिर जल जाएगा। हाँ फिर वो बहुत ज्यादा वैसा हो जाएगा। हाँ। सही से पकेगा नहीं, थोड़ा सा सिम पे रखना। हाँ देखिए ना क्रिस्पी रहेगा। गैस देख लो हर तरीके का कंटेंट आ रहा तुम्हारे पास, दही के छोले भी आ गए,
जो कट्स ऐसे में ये डाल। हाँ ये वाला है, ये बिना उसका बिना क्रंची वो साइड्स हटा हुआ जो होता है वो वाला है। ये देखो जल ना जाए, कुरकुरा होने के चक्कर में कहीं चल जाए। नहीं मैं कमाज कर दिया। गाइस देखो ये वो वाला है, इसमें साइड्स नहीं हटाई और उस वाले में साइड हटाई। हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, चल जाएगा। शाबाश, रख दो रख दो। टिशू कोई नहीं, बाद में रख देंगे, जल्दी रखो यार, तब तो मुंह में पानी आ रहा है। सही बन रहा है। दो कोई से बना लो। हाँ। वैसे मुझे तो वही वाला अच्छा लगता है। गाइस तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये लो तुम पकड़ो फोन और मैं बनाता हूँ। क्या करना बताती रहो। पहले थोड़ा सा पानी लगा। कैसे लेना है? वैसे कर दो, डिप कर दो या वैसे कर साइड कोने। हाँ उसमें कर दो ना थोड़ा सा साइड कोने। हाँ ऐसे करो हल्का। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। पूरा मत डालो ना, फिर वो बस साइड साइड का। बिल्कुल अब बीच में लगा दो उसको। पानी ज्यादा लेना कम लेना है? थोड़ा सा तो लो ही कि दबे वो सही से, साइड की कोने दबा दो सही से। मुझे तो लग रहा है साइड साइड में पानी भर गया है। ठीक है हाँ, बस अब इसको करो, इसमें डालो थोड़ा सा। ये डाल दिया हमने, ठीक है, और इसे कर दिया हमने बंद। आपने तो वो बना दी पेटीज टाइप का जो। कोई नहीं, पेटी खा लेंगे हम। तो क्या हो दिया, तो क्या हो दिया, ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो मैं वैसे भी ये तो मैं जान के बना रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है? पैटी शेप मैंने जान के दी है। ये वैसे नहीं होगा, फोटो बस हो गया ना। हाँ बस ऐसे ही बना दो। अब क्या करूँ, इसे सूखने के लिए रखूँ? गीला ज्यादा लग रहा है। रखो बस, अब डाल दो उसमें। अभी डाल दूँ? एक और बना रहे हो? चलो डाल देता हूँ, पहले डाल ले जाओ। मुझे तो डर लग रहा है, डर लग रहा है। बस बस होने दो, बाद में करना। गाइस देखो मैंने पैटी बना दी। इनर राउंड मुझे ऐसा लग रहा है ये खुलने वाला है शायद। इसे घुमाओ। कैसे 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 कैसे? नहीं नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। गाइस देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में बना दी मैंने तुम्हारा दही की पैटी, दही एंड पनीर पैटी। जो स्कूल में पैटीज खाते थे वो वाली टाइप की है। अरे वो पुरानी यादें ताजा करनी पड़ती है ना बार बार। पनीर वाली पेटीज में ऐसा डिजाइन आता था। हाँ पनीर वाली, अब भी तो ऐसी आता पनीर वाली में। हाँ पनीर वाली ऐसी। गाइस देखो ऑल राउंडर बन चुका हूँ मैं, खाना भी बना लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ कर लेता हूँ। ये देखिए ऐसे लाइट वो रहेगा ना थोड़ा। हाँ, सा लाइट ब्राउन, ये सही रहेगा। हमारा पहला वाला थोड़ा ज्यादा हो गया था कि नहीं, वो भी अच्छा है, लगता है ऐसा नहीं। बस हो गया, थोड़ा सा और होने दो क्रिस्पी थोड़ा सा। देख लो गाइस ऑल राउंडर हूँ मैं, और लाइक कर दो यार, शेयर करो यार, वीडियो लोगों के पास जानी चाहिए यार, व्यूज भी बहुत कम कमा रहे यार। शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो कर रखा है, और करें ना। हाँ, और करो, और करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, भाइयों को बताओ, बहनों को बताओ, चाचा ताऊ मामा सबको बताओ, चैनल है। ठीक है गाइस, चलो मम्मी से। हाँ निकाल लूंगा, थोड़ा सा ऐसे 2 मिनट रखो, ऑयल निकल जाएगा। गाइस रेडी हो गए अपने दही के शोले, अब टेस्ट करते हैं। चलो गाइस टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। मैं तो अपना वाला खाऊंगा जो मैंने पैटी बनाई थी, दही की पैटी। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, कसम से बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, सच्ची में बहुत टेस्टी बने हैं, एक नंबर। और गाइस इतना सॉफ्ट है अंदर से, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें चीज डाली हो, चीज नहीं है लेकिन दही और पनीर का बहुत टेस्टी बना। चलो गाइस फिनिश करता हूँ मैं तो, बहुत अच्छे लग रहे हैं, भूख भी लग रही है। ठीक है गाइस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। राधे राधे गाइस। और देखो मैं आज दोपहर में जो बना था दही के छोले, उसमें से जो बचा ना अंदर का फिलिंग जो बची उसकी मैडम ने बना लिया ब्रेड पर लगा के सैंडविच। मैडम ऐसे क्या कहते हैं, मतलब वेस्ट नहीं जाने देती सामान, मेहनती तो है वैसे। अरे हाँ गाइस बीकानेर में भी यही वाले होते हैं, जो बीकानेर वाला है वहाँ पे। हाँ वो बीकानेर का चिप्स देते हैं उसके साथ फ्री,
वो उसके साथ देते हैं। जब हमने वो उस दिन वहाँ जाके खाया था वो प्लेन वाला था, प्लेन सैंडविच था, और जो वो देते ना कौन सा वाला था, ग्रिल्ड के साथ मिलते हैं, ग्रिल्ड वाला अच्छा भी लगता है, और उसके साथ मिलते हैं वो चिप्स डिजाइन होते हैं। तो गाइस बस आज का फिनिश करते हैं व्लॉग यहीं पे, ठीक है। चलो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबा देना, वीडियो को लाइक कर दो, देखो यार शेयर करो वीडियो, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ कुछ चैलेंज वीडियो बताओ, कुछ करेंगे फिर वो, ठीक है गाइस। चलो लाइक कर देना वीडियो, चलो बाय, गुड नाइट।